एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अगर आप देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड थोड़े से चेंज है, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने मम्मा के घर में हूँ। मेरे बेटे आरफ की छुट्टियां चल रही हैं, उसके आज मैं रिव्यू करूंगी NY बे मैथ्स मैट का लिप क्रेयॉन। एंड मैं इनका रिव्यू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि NY बे इज अ ब्रांड जो आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ purple.com पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड purple.com इज अ ऑनलाइन एप्लीकेशन, शॉपिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड एंड ब्यूटी एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि NY बे इज अ ब्रांड जो जिनका बहुत कुछ यू नो लॉन्च कर चुके हैं ये लोग। इनके लिप क्रेयॉन्स आ चुके हैं, इनकी लिपस्टिक्स आ चुकी हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स आ चुकी हैं, लाइनर आ चुकी है, काजल्स आ चुके हैं, मतलब इनका बहुत कुछ आ चुका है। सब कुछ अच्छा इनका प्रोडक्ट है। एंड मैं काफी प्रोडक्ट्स का इनका यू नो रिव्यू कर चुकी हूँ। सो इन्होंने पहले ये मैट्स मैट, ये जो लिप क्रेयॉन है, ये ऑलरेडी इन्होंने 6 कलर्स इनके लॉन्च किए थे, जिनमें से मैंने 2 कलर्स लिए थे। तो जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से कलर थे। एक कलर नंबर 2 था जिसका नाम था मेजर लीग अट्रैक्शन, और एक कलर नंबर 5 था जिसका नाम था पार्टिंग विथ मैस्कट। मैंने इन दोनों क्रेयॉन्स का रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, तो मैं इस दोनों क्रेयॉन्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये क्रेयॉन्स जो थे इनके काफी अच्छे चले थे, काफी अच्छा इन्हों अच्छा प्रोडक्ट था इनका। तो इन्होंने 13 और शेड्स निकाले थे, 13 उन्होंने और नए वाले यू नो शेड्स इन्होंने लॉन्च कर दिए। तो जिसमें से मैंने यू नो 4 शेड्स खरीदे हैं। एंड ये जो 4 शेड्स हैं ये मैंने सबके यू नो चॉइस के अकॉर्डिंग खरीदे हैं। लाइक मैंने एक देख सकते हो रेड कलर खरीदा है, मैंने एक पिंक कलर भी खरीदा है, मैंने एक ऑरेंज शेड खरीदा है, एंड मैंने एक ब्राउनिश न्यूडिश सा भी शेड खरीदा है, ताकि अगर किसी को रेड का यू नो हो क्रेज, या पिंक का हो, या ऑरेंज का हो, या ब्राउन का हो, थोड़ा सा इनको आइडिया लग जाए। प्लस मुझे भी था कि यार अगर मैं 4 खरीद रही हूँ तो फिर मैं थोड़े से यू नो मेरे पास भी शेड की थोड़ी सी वैरायटी हो जाए। कि अगर मैं इनके पैकेजिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हो ये मुझे एज इट इज ही रिसीव हुआ था, ये कोई कार्डबोर्ड पैकेजिंग में नहीं आया था। एंड जस्ट इनके ऊपर प्लास्टिक की रैप किया। अगर मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट के बारे में बताऊं तो ये मैन्युफैक्चर हुआ था अप्रैल 2018 में, और ये एक्सपायर करेगा मार्च 2021 में। तो आपको बहुत आराम से इसके नो 3 साल मिल जाएंगे यूज करने के लिए, तो इट्स गुड। एंड इसके अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो यहाँ पे लिखा था 2.8 ग्राम, आपको 2.8 ग्राम मिलेगा। एंड ओके, मैं आपको ये बता दूं ये जो क्रेयॉन है ये रिट्रैक्टेबल क्रेयॉन नहीं है कि आप इसको खोलोगे काजल की तरह तो ये खुल जाएगा, जैसे NY बे के काजल वगैरह हो, ये ऐसा नहीं है। इसको आपको शॉर्पनर के साथ शॉर्प करना पड़ेगा, एंड दिस इज द शॉर्पनर, या इसके साथ आपको स्टेक वर्की का शॉर्पनर लेना पड़ेगा। स्टेक वर्की का शॉर्पनर अगर आप अकेला खरीदो तो आपको 125 रुपीज का मिलेगा। इफ यू बाइंग समथिंग इन अ कॉम्बो में तो आपको यू नो ये पूरा कॉम्बो 150 में मिल जाता है, वो भी बाय चांस अगर purple.com पे अगर आपका यू नो कुछ ऐसा ऑफर वगैरह चल रहा होता है तो आपको यू नो बाय चांस कुछ ऐसा मिलता है। एंड एक और चीज, मैंने इनके 4 क्रेयॉन्स खरीदे थे, अभी भी purple.com पे यू नो सेल चल रही थी, कुछ इनका ऑफर चल रहा था कि बाय 3 एंड गेट 1 फ्री। तो मुझे मैंने 3 खरीदे तो मुझे एक यू नो फ्री पे मिला। एंड अगर आपने मेरी मैं आपको ये क्रेयॉन्स के शेड्स दिखाऊं एंड स्वैशेस दिखाऊं, उससे पहले लिटिल बिट नॉलेज देना चाहूंगी। मैंने ये दोनों क्रेयॉन्स को खोला हुआ है। इसको खोलने का मेरा ये तरीका था कि मैंने इसकी जितनी भी प्लास्टिक की रैप थी मैंने सारी उतार दी, एंड उसके साथ मुझे क्या हुआ कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट वो चली गई प्लास्टिक के साथ। अब मुझे ये नहीं पता ये कब एक्सपायर करेगा। तो मैंने सेकंड क्रेयॉन को खोलने के लिए क्या किया, मैंने जस्ट एक नाइफ लिया, मैंने जस्ट यहाँ पे ना सब तरफ इसको घुमा दिया नाइफ को, उसके साथ क्या हो गया आप देखो ये खुल चुका है। अब प्लास्टिक की रैप भी इसके ऊपर है, ये खुल भी चुका है, एंड आई हैव दिस एक्सपायरी डेट। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इट्स बेटर आप उसको सारा फाड़ो, सारे उसके ना प्लास्टिक को निकालो, यू कैन कट दिस, ताकि आपकी एक्सपायरी डेट आपको पता लगती रहे, जब एक्सपायर हो जाए तो आप इसको यू नो। अब ये जो क्रेयॉन्स है ये मैट क्रेयॉन्स नहीं है, ये क्रीमी मैट टेक्सचर में आते हैं आप देखो, और ये स्मज करते हैं। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है, और ये शेड नंबर 16 है मेकअप कॉल। एंड आप देखो मैं इसको स्मज करके दिखाती हूँ, ये स्मज करते हैं, एंड एक और चीज ये स्मज करते हैं, लेकिन क्रीमी मैट है तो आप देख सकते हो, लेकिन ये गंदा वाला यू नो क्रीमी शाइन नहीं करता, ये बहुत अच्छे वाले आपके लिप्स के ऊपर यू नो वो गंदी वाली शीन सी नहीं आएगी, तो ये बहुत अच्छा लगता है आपके लिप्स के ऊपर लगाया हुआ। एंड जिन लोगों के बहुत यू नो ड्राई लिप्स रहते हैं, जो लोग लिक्विड लिपस्टिक्स नहीं लगा सकते, जो लोग मैट लिपस्टिक्स नहीं लगा सकते, उन लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग आपको 150 रुपीज में ये क्रेयॉन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका कुछ यू नो purple.com पे थोड़ा
डिस्काउंट वगैरह चल रहा है तो 135 में भी आपको मिल जाएगा. मैंने 135 में लिया था, समटाइम्स आपको 125 में भी मिल जाता है. सो यार आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको यू नो कब अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है पर्पल पे. अगर मैं ट्रैवल फ्रेंडली की बात करती हूँ, बहुत अच्छी यू नो ट्रैवल फ्रेंडली है ये लिप क्रेयॉन्स. एंड जो इनकी ये कैप लगाई हुई आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट कैप है, बहुत अच्छी वाली कैप है, फ्लिम्सी कैप बिल्कुल भी नहीं है. ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी अंटिल एंड अनलेस आप इसके ऊपर जोर नहीं लगाते जैसे मैंने लगाया था. मैंने क्या किया था, अपने लास्ट क्रेयॉन्स को डब्बे में जबरदस्ती इन्हों डालने की कोशिश की तो इनके इन्हों कैप्स क्रैक कर गई, बट इट वॉज माई मिस्टेक. नहीं तो अदरवाइज तो यार ये बहुत आराम से, अगर इनको आप रखोगे तो ये आराम से आपके चलेंगे और इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी. ओके, अब मैं आपको इसके हैंड स्वैशेस दिखाती हूँ. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये कलर कोडेड पोर्शन है. यहाँ पे रेड, पिंक, ब्राउन एंड ऑरेंज है. और मैं आपको अगर मैं बताऊं मेरे पास कौन कौन से नंबर है, मैंने 13, 15, 16 एंड 19. सो नाउ करूंगी 13 नंबर का, द एमरजेंसी हैकर. एंड ये आप देख सकते हो ब्राउनिश शेड है, लेकिन ब्राउनिश में हल्का सा ऑरेंज टोन भी आते हैं इसमें, लेकिन ब्राउन ज्यादा इसमें झलकता है. तो ये बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल सा न्यूड सा शेड है. और 13 नंबर का आपने हैंड स्वैच देख लिया, अब मैं आपको 15 नंबर का हैंड स्वैच दिखाती हूँ. और इसका नाम है क्राउड प्लेजर और ये रेड कलर है. एंड ट्रस्ट मी, ये रेडिश पिंकिश कलर है, ये बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है. आई डोंट नो, आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे शायद पूछ रहे थे रेडिश पिंकिश कलर के बारे में, तो डियर आप ये देख लो, ये बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है. एंड द शेड नंबर इज 15. आई एम जस्ट लविंग द शेड, बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है. अब मैं आपको दिखाती हूँ शेड नंबर 16 का हैंड स्वैश. ये पिंक कलर में आएगा, ये भी बहुत अच्छा गर्लिश सा शेड है. आप वैसे तो सारे लगा सकते हैं, बट मैं आपको कह रही हूँ गर्ल्स को होता है ना थोड़ा सा लाइट शेड हम लगाए, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है. आई जस्ट लव दिस कलर. एंड इसका नंबर था 16 मेकअप कॉल. और अब मैं लास्ट कलर लगाऊंगी, ये है रेडी फॉर सबवे सीरीज 19. ऑरेंज कलर है ये, आप देख सकते हो बिल्कुल यू नो मैंने 4 कलर्स लिए एंड 4 के 4 सारे एक दूसरे से कितने डिफरेंट कलर है. आई जस्ट लव द शेड जो मैंने चूज किया है. अब मैं आपको इनको लिप स्वैश करके दिखाती हूँ. अब मैं आपको लिप स्वैश करके दिखाती हूँ. मैं सबसे पहले शेड करूंगी शेड नंबर 13. ये एक न्यूडी ब्राउनिश शेड है. एंड सब आप देख सकते हो कितने पिगमेंटेड है. देर वेरी क्रीमी, वेरी क्रीमी. और ये बहुत ज्यादा यू नो कंफर्टेबल है आपके लिप्स के ऊपर. अब आप देख सकते हो मैंने ये 13 नंबर लगा लिया अपने लिप्स के ऊपर. एंड ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है. प्लीज अगर आप कुछ नो न्यूड शेड ढूंढ रहे हो तो आप इसको जरूर खरीदो, मैं इसको जरूर रिकमेंड करूंगी. एंड आई जस्ट लव दिस शेड. एंड कुछ अब तो यार ये थोड़ा सा यू नो आप मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस देखोगे ना उसमें कुछ आप ज्यादातर ये शेड जरूर 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 देखोगे. सो मैं आपको यू नो थोड़ा सा किस टेस्ट भी करके दिखा दूं, बट आई नो कि ये ट्रांसफर करती है, बट चलो एनीवेज ये ट्रांसफर करते हैं. बट दे आर क्रीमी मैट, बट यू कांट सी द वो गंदा वाला क्रीम क्रीम सा नहीं आप देख सकते इनमें. ये बहुत ही ना अच्छा सा मैटी सी लुक आती है इनमें. दिस वॉज द रिव्यू एंड द स्वैश ऑफ वन कलर. एंड बाकी के कलर का स्वैशेस एंड में देखना. और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो. अब सारे स्वैशेस आप जरूर देखना. सो टिल देन बाय. First sight.